शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पता नहीं क्या समझ में नहीं। आराम से आओ। कोई लगी तो नहीं? ठीक हो ना बहना? हाँ, बंटी, ठीक है ना बेटा? हाँ, बैठो 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 बैठो। तो पता नहीं चला, आराम से बैठो 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 बैठो। अरे दिलीप काका पानी लेकर के आओ। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है। स्कूल का पहला दिन था बंटी का, अपना स्कूल भी नहीं जा पाया। वो तो अच्छा हुआ बहना कि आप बंटिया के साथ थी। अगर आप बंटिया के साथ नहीं होती और बंटिया को कुछ हो जाता तो हे भगवान, हमको तो सोच के ही डर लग रहा है। नारायण, ऐसी बातें कर रहे हो तुम? खबरदार जो अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो हम खुद मर जाएंगे और अपने बच्चे पर एक खरोच भी नहीं आने देंगे। औलाद से बढ़कर कुछ होता है इस दुनिया में? अरे औलाद तो भगवान की देन है, उसका आशीर्वाद है। इस दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी सुख दुख औलाद से बढ़कर नहीं होता। कोई भी विद्या, और ऐसी विद्या का क्या फायदा जो आपकी औलाद ही खा जाए। बिल्कुल सही बोल रही हो बहना, बिल्कुल सही बोल रही है बहना हमारी। बाबू तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ बेटी, जाओ जाकर तुम भी आराम करो और हम भी जाकर के स्कूल में बात करके आते हैं। उसको बता देते हैं कि बंटिया का तबीयत ठीक नहीं, कल से आएगा ना, बोलते हैं जाके, है ना? उसका हाथ देखकर उस बाबा ने कहा था बंटी स्कूल जाएगा तो उसकी जान को खतरा है। अरे स्ट्रोक लो जी चाची। अरे रोक लो जीजा जी। रुको वीरेन, बंटी स्कूल नहीं जाएगा। हमारे बेटे की जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। बंटी स्कूल नहीं जाएगा। बस हमें इस बारे में अब और कुछ नहीं कहना और ना सुनना है। चलो चल के आराम करो। आओ पर हम इसे पढ़ाई नहीं छोड़ने देंगे।
भानु अंकल आरती में क्यों नहीं आए? रोज तो वक्त आ जाते हैं। बैठो बेटा, अब बताओ आज कौन सी कहानी सुनाओगे? श्रवणी बेटा, किसका इंतजार कर रही हो? नहीं दादी, किसी का नहीं। तो बोलो कौन सी कहानी सुनाओगे? आज ना वो कहानी सुनाने वाले जिसका सारांश ये है कि जरूरी नहीं है कि प्यासा ही कुएं के पास जाए, वो अभी तो प्यासे के पास आ सकता है। ये कहानी है एकलव्य की। आपको पता है दादी, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने ज्ञान देने से मना कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि एकलव्य राजघराने के नहीं थे, पर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की पैरों की मिट्टी लेकर चले गए और उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया और वो रोज उस मिट्टी को प्रणाम करते थे, अपने तीरबाजी का अभ्यास शुरू करते थे। दुनिया के सबसे अच्छे तीरबाज बने। पता है क्यों? क्योंकि उनमें सीखने की प्यास थी। प्यास पानी की हो या विद्या की, ज्ञान की, प्यास बुझना जरूरी है। और कई बार तो प्यासे को भी नहीं पता होता है कि उसको किस चीज की जरूरत है। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।